मिस शर्मा, दोबारा कभी मत मिलना और अपनी शक्ल मत दिखाना। कम ऑन, बैक टू शूट एवरीवन। मतलब ये सब शौर्य ने प्लान किया था? तुम्हारी माँ ने अगर तुम्हें बचपन में एक थप्पड़ लगाया होता तो आज ये काम मुझे नहीं करना पड़ता। जीत की जिद में तुम इतना गिर जाओगे कि मैंने क्या किसी और ने नहीं सोचा होगा। एक शौर्य करना, एक लड़की को बदनाम करके खुद को मर्द कहलाने का हक आज तुम खो चुके। पैसे और ताकत की अकड़ में बिगड़े हुए तुम सिर्फ एक बदतमीज लड़के हो जिसे यहाँ कोई पसंद नहीं करता। अरे तुम्हें क्या लगता है ये लोग ये सब तुम्हारी इज्जत करते हैं? अरे सब लोग तुमसे डरते हैं। तुम तो इतने खोखले हो कि उस डर को अपनी ताकत समझ के खुश हो जाते। तुम्हारी दुनिया में सिर्फ दो लोग हैं, सिर्फ दो। ये सारे फसाद की जड़ तुम ही हो, हाँ? ऐसा काहे बोल रहे हैं? हमने कुछ कुछ नहीं किया है भाई। हम तो एक काली के कहने पे नंदू को नैना का धर्म पिता बना रहे थे बस। तुम्हें नैना का केयरटेकर क्या बना दिया? तुम तो अपनी हद ही भूल गई ना। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गेम खेला तुमने। उस बेचारी निकिता को फंसाने की कोशिश की। और कोडियो, तुम्हारी वजह से मैंने, तुम्हारे वजह से भाई ने उस बेचारी पर शक किया। तुम्हारी वजह से वो जेल गई, तुम्हारी वजह से एक इनोसेंट लड़की जेल गई, और इसकी वजह से सिर्फ तुम्हारी नहीं, उसकी नहीं, हमारी पूरी कंपनी की बदनामी होगी। हाउ कुड यू, हाउ डेयर यू। और नहीं भाई, भाई सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, यहां ध्यान दो। भाई यहां ध्यान दो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। विश्वास नहीं होता सत्या, मामा मुझसे इतनी नफरत करती। देखा तुमने, अरीना को माई समझकर कितना परेशान कर रही है। इतनी बुरी हो सत्य, तेरी शादी में इच्छा से